बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। प्रियतम परमेश्वर, हमारे बीच में उपस्थित होकर के आप हम सभी को आपके दर्शन तथा सहवास का आनंद देकर हमारा मार्गदर्शन कीजिए, यही आपसे विनती है। थैंक यू बाबा, जय बाबा। हे प्रियतम परमेश्वर, बिलीव्ड गॉड, हेल्प अस ऑल टू लव यू मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर एंड स्टिल येट मोर टिल वी बिकम वर्दी ऑफ यूनियन विथ यू, एंड हेल्प अस ऑल टू होल्ड फास्ट टू बाबाज दामन टिल द वेरी एंड। अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। सभी को प्रेम पूर्वक जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा। क्रिएशन एंड इट्स कॉजेस, ये सुंदर किताब हम पढ़ रहे हैं और इसमें इंट्रोडक्शन खत्म हो गया है। और उस समय मेहराबाद में क्या गतिविधियां चल रही थी? आवाज क्लियर है ना खेत की? आवाज ठीक है ना? आवाज ठीक है ना? ठीक है मैडम। हाँ, थैंक यू राजेश जी, जय बाबा। तो क्रिएशन एंड इट्स कॉजेस में इंट्रोडक्शन खत्म हो गया। उस समय मेरा बाद में क्या गतिविधियां चल रही थी, इसके बैकग्राउंड हिस्ट्री में हम देख रहे थे। तो इसमें अभी ही लास्ट टाइम हमने देखा कि शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ द मेहर एंड प्रेम आश्रम, आगे उसी के सिलसिले में आगे पढ़ते हैं। पेज नंबर 5 है, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मेहराबाद एंड द हजरत बाबा जान स्कूल, कि मेहराबाद ये कैसा कॉलोनी आगे आया और हजरत बाबा जान स्कूल कैसा बना, ये सब के बारे में यहाँ पर दिया है। इसको पर बड़ा दिलचस्प ये सब है, जर्नी जो है उस समय का, जो बाबा का सब गतिविधियाँ है। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मेहराबाद एंड द हजरत बाबा जान स्कूल, इसका पीरियड है जनवरी 1925 से थ्रू नवंबर 1926, नवंबर 1926 तक ये सब पीरियड है। मेहर बाबा फर्स्ट सेट फुट ऑन व्हाट वाज सून टू बिकम द मेहराबाद आश्रम ऑन द 4 मई 1923। जल्द ही जो मेहराबाद आश्रम बनने वाला था उस पर बाबा ने पहले अपने पैर रखे 4 मई 1923 को। और इसी सिलसिले में 4 मई को एक स्पेशल प्रोग्राम अभी इस साल वहाँ पर होने वाला है, क्योंकि 100 साल हो गए हैं बाबा ने मेहराबाद में अपने पैर रखे। 100 साल बराबर हो जाएंगे इस 4 मई 2023 को। तो एक स्पेशल प्रोग्राम वहाँ पर अरेंज किया है, आप लोग उसके बारे में भले भांति परिचित हो गए ही, सारे ग्रुप में उसका आया था बीच में शेड्यूल सब। Having closed down the Manzile Mem house of the master in Bombay shortly before this, at the end of April, Baba traveled to the Ahmednagar district to attend the wedding of his disciples Rustum and Frenny Irani. Manzile Mem, जो हमें पता है बॉम्बे में थे, जहाँ पर बाबा का इनिशियल सब मंडली के लिए एक प्रशिक्षण शिविर या कालावधि कहे तो भी अच्छा है, इस प्रकार का ये था। तो इसके पहले मंजिले मीम जब बंद किया, उसके पहले अप्रैल के एंड में बाबा अहमदनगर आए रुस्तुम एंड फ्रेनी ईरानी जो है उनकी शादी अटेंड करने के लिए। फॉर अ फ्यू डेज ही हैड बीन स्टेइंग विथ हिज मंडली एट व्हाट इज कॉल्ड हैप्पी वैली, about 15 kilometers to the north of Ahmednagar and just 4 kilometers from what in 1940s became his Meherazad residence. तो जब ये शादी के लिए मेहर बाबा अपनी मंडली को लेकर के अहमदनगर में आए, रुस्तुम और फ्रेनी ईरानी, जहाँ तक if I am not wrong, फ्रेनी ईरानी मतलब मेहरा माई की सिस्टर है,
और उन्हीं से रुस्तुम की शादी करा दी थी। ये बाबा की आज्ञा से हुई थी शादी। तो कुछ दिन तो बाबा और मंडली के साथ, बाबा मंडली के साथ हैप्पी वैली में रहे, जो कि अहमदनगर की उत्तर में 15 किलोमीटर पड़ता है और कुछ किलोमीटर की दूरी पे है मेहराजहाट से, जो कि मेहराजहाट बाबा ने 1940 में अपना निवास स्थान करके चुन लिया था। तो लेकिन यहाँ पर बाबा 1923 में हैप्पी वैली में अपनी मंडली के साथ रहे थे। बट सडनली लेट इन द नाइट ऑन 3rd May ही सेट ऑफ विथ हिज मंडली वॉकिंग टू अहमदनगर एंड द होम ऑफ रुस्तुम्स फैमिली, नाउ द मेन ऑफिस ऑफ द अवतार मेहर बाबा ट्रस्ट। एंड हैविंग अराइव्ड देयर इन द अर्ली मॉर्निंग जस्ट अ फ्यू आवर्स लेटर ही स्टार्टेड ऑफ on an 8 kilometer foot march to the south, halting on the outskirts of Arangav village. लेकिन अचानक से 3 May को बाबा वहां से लेट नाइट बट रात को देर से या अर्ली इन द मॉर्निंग कह सकते हैं वहां से पैदल निकले। कहां से? हैप्पी वैली से, जो कि 15 किलोमीटर दूर है अहमदनगर से। और वहाँ से चल के बाबा रुस्तुम के घर तड़के आए और उनकी फैमिली जो कि तभी खुशरू क्वार्टर्स में रहती थी, जहाँ खुशरू क्वार्टर्स मतलब जहाँ अभी अवतार मेहर बाबा ट्रस्ट ऑफिस है, क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टी बाबा को ट्रस्ट को उन लोगों ने, ईरानी फैमिली ने डोनेट की है। तो वहाँ पर बाबा आए, पैदल आए और वहाँ पर पहुँचते ही बहुत तड़के वहाँ पर वो पहुँचे और कुछ घंटों में ही, कुछ घंटे के पश्चात ही वहाँ से वापस वो पैदल निकले और वहाँ से 8 किलोमीटर की दूरी पे दक्षिण की तरफ वो निकले और अरणगांव के बाहर वो रुक गए। इट टर्न आउट दैट द प्रॉपर्टी देयर वाज ओन्ड बाय कैखुसरो ईरानी द फादर ऑफ रुस्तुम द ब्राइड ग्रूम टू बी, जो दुल्हा बनने वाला था रुस्तुम ईरानी, उसके पिताजी कैखुसरो ईरानी, ये लोग मेयर थे अहमदनगर के। ये बड़ा प्रस्त था अहमदनगर में ईरानी फैमिली का, तो ये कैखुसरो ईरानी के नाम में ही उनकी ये प्रॉपर्टी थी, उनके द्वारा वो उसके मालिक थे। इन दिस डिसोलेट स्पॉट फॉर्मरली अ ब्रिटिश मिलिट्री इंस्टॉलेशन बाबा एंड हिज मंडली सेटल्ड फॉर अ टाइम, क्लीनिंग and clearing rubble and generally beginning the work of making the place a possible permanent abode. ये वैरान जगह थी, barren landscape एकदम, कुछ भी वहाँ पेड़ पौधे, आज जो हम हरियाली और सुंदरता वहाँ दिखते हैं वो वहाँ नहीं थी। हमें भी यहाँ दहे पहले का जो मेहराबाद था, सुनसान और कैसे, कोई भीड़ नहीं, कुछ नहीं, पेड़ नहीं, पौधे नहीं, उजाड़ एकदम था। तो ऐसा सुनसान निर्जन जगह पर उस समय में, ब्रिटिशों के समय में उनका मिलिट्री का एक स्टेशन था और वहाँ पर बाबा और मंडली कुछ समय के लिए रुक गए और वहाँ पर उन्होंने वो सारी जगह, जमीन क्लीन करना, पत्थर हटाना, मलबा हटा देना और ऐसा सभी जो काम है, क्योंकि एकदम बैरन लैंड थी वो, उजाड़ था, निर्जन था, तो जो टूटे हुए मकान है उनको ही करना, पौधे उखाड़ देना, पत्थर हटा देना, ऐसा सब सब साफ करना और रहने लायक ऐसा उन्होंने उसको बनाना शुरू किया। तो मेरा बात का जो तभी का एक झलक उसमें किताब में उन्होंने दिया है, आप लोग देख सकते हैं इसको, ये एक फोटो है कि कैसा तभी निर्जन उजाड़ था ये मेहराबाद का जो है जगह। तो वहां पर उन्होंने सब उसको साफ करना शुरू किया रहने लायक करने के लिए। बट विद इन 2 weeks ही सेट ऑफ अगेन, परंतु तुरंत 2 हफ्तों में बाबा वहां से वापस निकले। एंड ओवर द नेक्स्ट ईयर एंड हाफ बाबा वाज कॉन्स्टेंटली ऑन द मूव, अगले 1 और 1.5 साल तक बाबा हमेशा यहाँ से वहां घूमते रहे, रूविंग थ्रू आउट द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, साउथ टू नॉर्थ, ईस्ट टू वेस्ट एंड इवन टू पर्शिया। पूरा भारत बाबा घूमे, एक्सटेंसिव, बहुत बड़ा या बड़ी यात्रा बाबा ने की, उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, और पूरा भारत बाबा घूम के
बाबा परशिया भी उसी समय चले गए, मतलब पूरा एक डेढ़ साल बाबा की यात्राएं चल रही थी। पीरियोडिकली ड्यूरिंग दिस ट्रेवल्स ही वुड ड्रॉप इन ऑन द अरंगाव प्रॉपर्टी दैट हैड बाय नाउ एक्वायर्ड द नेम ऑफ मेहराबाद। अब तक ये जो प्रॉपर्टी है, जिसको ये जायदाद जो है, जिसको मेहराबाद कहा जाता था, कहना शुरू हो गया था, या अभी मेहराबाद कहते हैं, तो समय समय पर इन यात्राओं के बीच में बाबा वहां पर आकर रुकते थे। ड्यूरिंग द लॉन्गेस्ट ऑफ दिस डे स्टेज फ्रॉम अप्रैल थ्रू अर्ली जून 1924, बाबा एंड हिज डिसिपल्स एंगेज्ड इन अ फेज ऑफ what was into bracket with rueful humor dubbed ghamela yog, that is intense physical labor, as they cleared the property of bracken and bushes, renovated broken down buildings and constructed new ones. Baba aur mandli ne yahan bahut bada kaam kiya, hum sab usko jante hain ghamela yog। वह तो उस समय में वो लोग तो मजाक में उसको घमेला योग कहते थे उसे, तो क्योंकि ये कोई लेबर उन्होंने एंगेज नहीं किए थे, कामगार उस काम के लिए एंगेज नहीं किए थे, परंतु बाबा और मंडली द्वारा स्वयं ये कार्य हाथ में लिया गया था। और वो सारे रान पौधे उखाड़ देना और जो टूटी फूटी बिल्डिंग्स है, ध्वस्त इमारतें है, उनको रिनोवेट करना, नई इमारतें बनाना, ये नई इमारतें भी बाबा के मंडली द्वारा स्वयं बनाई गई थी। तो ऐसा बहुत बड़ा वहाँ पर बाबा और उनके जो शिष्य थे इस काम में एंगेज हो गए, बिजी हो गए। इट वॉज ऑल्सो ड्यूरिंग दिस टाइम दैट बाबा कल्टिवेटेड हिज फर्स्ट लिंक्स विद द चिल्ड्रन ऑफ अरनगांव विलेज। इसी समय बाबा ने अरनगांव जो देहात का था, वहां के बच्चों के साथ अपनी पहला संपर्क प्रस्थापित किया। दिस विलेज वॉज पर्टिकुलरली रन डाउन एंड इम्पोवरिश्ड इवन बाय महाराष्ट्रियन स्टैंडर्ड्स विथ अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ मांग्स एंड महास, दैट इज अनटचेबल्स। ये जो पूरा गांव था ये बिल्कुल मन ठहरा हुआ गरीब था। और ये एडिटर यहाँ कहता है कि महाराष्ट्रियन स्टैंडर्ड उनके हिसाब से बहुत ही लो है, या तो जीवन मान या लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग महाराष्ट्र का बहुत पुअर माना जाता है, लेकिन वो पुअर स्टैंडर्ड के हिसाब से भी इस गांव का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जीवन मान बहुत ही ज्यादा गरीब थे वो लोग। आज भी अब देखेंगे तो ये मेहराबाद सब लोग जाते हैं, इसलिए ट्रस्ट के सहारे इनका सब कुछ चल रहा है, वरना उस गांव में ऐसा कुछ खास था नहीं। और यहाँ की ज्यादातर जो पॉपुलेशन थे, लोग थे, वो अस्पृश्य थे और ज्यादातर मांग और महार थे, और इन लोगों का उसमें अधिक ये था, ये पॉपुलेशन में इन लोगों की संख्या अधिक थी। बाबा बिगैन टू वू दिस पुअर चिल्ड्रन विद ट्रीट्स एंड कैंडी, एंड व्हेन दे रिस्पोंडेड बाय फ्लॉकिंग टू मेहराबाद इन लार्ज नंबर्स, ही टॉट देम भजन्स, हिंदू डिवोशनल सॉन्ग्स। तो बाबा ने इन छोटे बच्चों से, गरीब बच्चों से प्रेम करना शुरू किया, कभी उनको खाने को दे दो, कैंडी देते, एक छोटी कैंडी से भी इन लोग बहुत ललायित होते थे, खुश हो जाते थे, तो कैंडी दे दे करके बाबा ने उनको सबको अपने इसमें कर लिया, प्रेम में वश कर लिया। और जब वे वो कैंडी की लालच में अधिक संख्या में जब मेहराबाद आने लगे, जैसे भीड़ होने लगी, तो धीरे धीरे जैसे उन्होंने बाबा के प्रेम को प्रतिसाद देना शुरू किया, तो फिर बाबा ने उनको भजन सिखाना शुरू किया, हिंदू जो डिवोशनल सॉन्ग्स है, भक्तिपूर्ण गीत है, वो उनको सिखाना शुरू किया। देखो स्टेप बाय स्टेप, ईश्वर है, अवतार है, फिर भी उसको भी कैसा टैक्टफुली एकदम, वो बोलते थे कि ये ऐसा ठीक नहीं है, स्पृश्यता अस्पृश्यता ठीक नहीं, तो कोई शायद उनकी नहीं सुनता था, ईश्वर की भी, तो उनको कितना धीरज से और इतना कुशलता से इस प्रॉब्लम को हल करना पड़ा, इसका ये चित्र ये सब आगे दिया है। पहले तो बाबा ने बच्चों को कैंडी देते थे,
वो उसके कारण बच्चे आते थे, फिर बच्चों के कारण बड़े आने लगे, फिर वो बच्चों के लिए बाबा ने भजन सिखाना शुरू किया। आगे देखते हैं, वन ऑफ हिज डिसिपल्स अर्जुन सुपेकर टुक ओवर दिस वर्क ऑफ लीडिंग द डिवोशनल सिंगिंग एंड कल्टिवेटिंग अ टेस्ट फॉर इट अमंग दिस लार्जली डिस्ट्यूट एंड इलिटरेट यंगस्टर्स। सारे ये निरक्षर अनपढ़ गरीब बच्चे थे, तो अर्जुन सुपेकर करके जो बाबा के शिष्यगणों में से एक थे, तो उन्होंने ये कार्य स्वीकार कर लिया और वो उन्होंने इन बच्चों को गाना सिखाना और ये भक्ति गीत में और गायन में उनकी रुचि बढ़ाने का काम अपने सर पर लेके उन्होंने ये उनको सिखाना शुरू किया। स्टेप नंबर टू, दिस लिंक प्रूव्ड फाउंडेशनल टू वॉट फॉलोड इन 1925। 1925 में जो हुआ उसकी ये नींव थी। इट वॉज ऑन 25th जनवरी ऑफ दैट ईयर दैट बाबा सेटल्ड इन एट मेहराबाद मेकिंग इट हिज परमानेंट हेडक्वार्टर्स। 1925 में 25 जनवरी को बाबा मेहराबाद में स्थायी हो गए और उन्होंने मेहराबाद को अपना स्थायी हेडक्वार्टर मुख्य धाम बना लिया। एंड द नेक्स्ट 22 मंथ्स अंटिल द एंड ऑफ नवंबर 1926 कॉम्प्राइज व्हाट वी कॉल द फर्स्ट लॉन्ग स्टे, जिसे हम पहला लंबा वास्तव्य कहते हैं, तो वो यहाँ पर शुरू होता है 25 जनवरी 1925 को और आगे 22 महीनों तक नवंबर 1926 के नवंबर के एंड तक ये बाबा का वास्तव्य वहाँ रहा। लंबा समय, पहला लंबा वास्तव्य मेहराबाद में रहा। इमीडिएटली द भजन सेशंस विद द अरणगांव चिल्ड्रेन रिज्यूम्ड। जैसे बाबा ने उसको अपना हेडक्वार्टर बना लिया, अरणगांव के छोटे बच्चों का जो भजन सेशन चल रहा था वो चालू हुआ। एज द आश्रम क्विकली ग्रू बाबा मेड प्रिपरेशंस फॉर द ओपनिंग ऑफ अ स्कूल फॉर द अरणगांव विलेजर्स, प्लान्स विच केम टू फ्रूटिशन ऑन 25th March 1925 व्हेन द हजरत बाबा जान स्कूल हैड इट्स इनॉग्रेशन सेरेमनी। 25 मार्च 1925 को जब हजरत बाबा जान स्कूल का इनॉग्रेशन हो गया, उद्घाटन हो गया, ये समारंभ स्थापन हुआ, तब बाबा के ये सारे प्रयास फलद्रुप हो गए और आश्रम तेजी से बढ़ने लगा। और जो भी बाबा ने तैयारियां की थी कि अरणगांव के देहात के लोगों के लिए स्कूल खोलना, उसका जो बाबा ने योजना बनाई थी, वो 25 मार्च 1925 को फलद्रुप हो गई हजरत बाबा जान स्कूल के खुलते ही। अब यहाँ पर एक बहुत प्यारा सा फोटो है, कुछ कुछ पुराने फोटो इसमें है, तो आप उसका लुफ्त उठाइए। आपको दिखता है ना यहाँ पर? दिखता है। तो ये उस समय की बाबा की फोटो है। यहाँ पर दिया है, मेहर बाबा इन लोअर मेहराबाद accepting the homage of local villagers on the day after the celebration of his 32nd birthday in 1926। 1926 में बाबा का 32वां बर्थडे था और उसका जो सेलिब्रेशन हुआ उसके पश्चात सारे ये विलेजर्स बाबा के सामने बाबा को मिलने, दर्शन लेने आए, तब का ये फोटो है। The school took its place beside the Meher Charitable Dispensary and Hospital, opened after 4 days earlier as another in a group of public service institutions in what was now a burgeoning colony. ऐसी जो बढ़ती हुई फलती फूलती कॉलोनी मेहराबाद की थी, एकदम तेजी से बढ़ने लगी। तो उसमें 25 मार्च 1925 को हजरत बाबा जान स्कूल खोलने के 4 दिन पहले ही, मतलब 21 मार्च को मेहर चैरिटेबल डिस्पेंसरी और अस्पताल का वहां पर शुरुआत हुआ। और जो जनसेवा संस्थाएं बाबा ने वहां चालू की थी उनमें एक एडिशन हो गई है। हाउस्ड एट फर्स्ट इन टेम्पररी बाम्बू मैटिंग हट्स
near the post office building in the strip of land between the Ahmednagar down road and the railway tracks. Within 6 weeks, it had shifted into several corrugated iron sheds which served as permanent school building structures. तो यहाँ उन्होंने बताया है कि जो पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग थी ये कहाँ थी हम लोगों को पता है, अभी तो है नहीं, लेकिन उसका एक उन्होंने वहाँ बोर्ड लगा के रखा है। तो दौंड की तरफ जो रास्ता जाता है तो वो रास्ता और रेलवे ट्रैक, इसके बीच में जो जमीन का एक टुकड़ा था उसके ऊपर ये सारी बिल्डिंग्स थी। और शुरू में ये जो स्कूल था ये टेम्पररी ऐसा ये बांस की चटाई की झोपड़ियां बना के उसका बनाया था, लेकिन 6 हफ्तों के अंदर ही उसको शिफ्ट किया गया और नालीदार या जालीदार जो लोहे की शेड्स थी जो कि बाद में परमानेंट स्ट्रक्चर स्कूल के लिए साबित हुआ उसमें उसको शिफ्ट किया गया। एट इट्स ओपनिंग द स्कूल एनरोल्ड 20 to 30 स्टूडेंट्स अप टू द 7th स्टैंडर्ड, बट इट्स नंबर्स स्वेल्ड एंड इट सून टॉट ऑलमोस्ट 150 स्टूडेंट्स बॉयज एंड गर्ल्स बोथ, द लैटर एज मेनी एज 200, मेनी ऑफ देम फ्रॉम द अनटचेबल कास्ट बट अ लार्ज नंबर फ्रॉम द अपर कास्ट एज वेल। तो यहाँ पर स्कूल के खुलते ही जो ओपनिंग डे में द स्कूल एनरोल 20 to 30 20 से 30 विद्यार्थियों ने अपना नाम दर्ज कराया। बाद में संख्या विद्यार्थियों की बढ़ती गई और बढ़कर का वो 150 विद्यार्थी हो गए और बाद में 150 के 200 हो गए। इसमें बच्चे थे, बच्चियां थी, लड़के थे, लड़कियां थी, काफ़ी सारे अस्पृश्य जनजाति के थे, लेकिन बहुत सारा वर्ग उच्च जाति का भी था। द टीचिंग स्टाफ इंक्लूडेड सम अमंग बाबाज मंडली एंड ए नंबर फ्रॉम द लोकल कम्युनिटी। अब इनको सिखाता कौन था बच्चों को, तो काफ़ी सारे सिखाने वाले जो टीचिंग स्टाफ था, सिखाने वाले शिक्षक थे, ये बाबा के मंडली जनों में से थे और कुछ तो लोकल थे। लोकल में हम जानते हैं जैसे कि ढाके फड़कर थे, एड़के मास्टर थे, विष्णु मास्टर थे, छगन मास्टर थे, इसका जिक्र यहाँ पर नहीं है, पर हम लोग जानते हैं कि ये इनमें थे लोकल कम्युनिटी में से। एट फर्स्ट द अपर कास्ट बॉयज एंड गर्ल्स इनटू ब्रैकेट मराठास ब्राह्मिन्स एंड अदर्स मिंगल्ड इन कॉमन क्लासेस while the untouchables were taught separately। शुरू में लड़के और लड़कियां इकट्ठे, लेकिन उच्च जाति के जैसे मराठा ब्राह्मीण और बाकी जनजाति के लोगों को बच्चों को एक क्लास में पढ़ाया जाता था और अस्पृश्य लड़कों को अलग से पढ़ाया जाता था। कास्ट फीलिंग स्टिल रिन लार्जली अनचैलेंज्ड इन रूरल इंडिया इन दिस टाइम। हम सब जानते हैं ये स्वातंत्र पूर्व काल था 1925 का, उस समय में ये अस्पृश्यता कितना ज्यादा था और उस समय की भारत की अवस्था क्या थी और सोशल स्थितियां कैसी थी, जो अस्पृश्यता थी या अनटचेबिलिटी थे या जाति व्यवस्था बहुत कड़वी थी जिसे कोई बदलना मतलब संभव नहीं दिख रहा था, इस समय की ये बात है। मोर ओवर the mangs and mahas who comprise the untouchable community in Arangav were quite illiterate and unclean in their habits, which reinforced the repugnance felt toward them by the higher castes। iske alawa keval aisa hi nahi ki un log us samay jati vyavastha kadvi thi, parantu ये जो अस्पृश्य जनों में अधिकतम जो थे मांग महार थे, मरे हुए जानवर खाना, ठीक से सफाई नहीं, अनक्लीन लिलेस, तो वहाँ पर वो अनपढ़ भी थे, अस्वच्छ थे, उनकी आदतें ऐसी थी
कि जिसके कारण उच्च जाति के बच्चे उनकी तरफ घृणास्पद घृणा से देखते थे. इन दोज डेज द लो एंड हाई कास्ट मूव इन डिफरेंट लाइफ स्फीयर्स. उस समय में उच्च जाति और पिछड़े जाति का जीवन मान जीवन पद्धति बहुत ही भिन्न था, बहुत ही अलग था, दोनों का अलग अलग था. एंड बाबा हैड इवन क्रिएटेड इन मेहराबाद टू सेपरेट टेम्पल्स, वन फॉर द हायर कास्ट विलेजर्स एंड द अदर फॉर द अनटचेबल्स. यहाँ तक कि बाबा ने भी उस समय बाबा ने अरणगांव गांव में दो मंदिर बनवाए थे और उच्च जाति के लिए अलग बनवाया था और पिछड़े जाति के लिए बाबा ने अलग मंदिर बनवाया था. ये मैं तो इस किताब में पहली बार सुन रही पढ़ रही हूँ. अब हम अरणगांव जाएंगे तो हम उसको जान सकते हैं, शायद रमेश जंगले जानते होंगे या वहाँ के लोकल कोई पुराने लोग है तो वो जानते होंगे कि वो कौन से मंदिर है जो बाबा ने बनवाए थे. पर उस समय की स्थिति ऐसी थी कि स्वयं ईश्वर को भी, पर आगे देखो बहुत दिलचस्प है आगे का. Gradually, however, Baba began to break down this caste division. तो शुरू में तो बाबा ने जैसा वो कहेंगे, जैसे बच्चा मानता नहीं तो हम क्या करते हैं, वो जो कहता है हाँ 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 मुझे नहीं नहाना, हाँ हाँ मत नहाओ मत, उसकी बात में हाँ मिला के हमको जो करना है वही हम करते हैं, ताकि वो विरोध ज्यादा प्रदर्शित नहीं करे, ज्यादा जिद नहीं करे. तो बिल्कुल बाबा ने ऐसा ही किया. जिस प्रकार की समाज व्यवस्था उस समय में थी उसी प्रकार से वो अगर तुरंत बोलते थे कि सारे दोनों कास्ट के इकट्ठा स्कूल में बैठे तो शायद लोग स्कूल में नहीं भेजते थे, क्योंकि उसके पश्चात भी उनको विरोध सहन करना पड़ा. पर शुरू में बाबा ने जैसा वहां चल रहा था उस हिसाब से धीरे धीरे उनको ये किया. और धीरे धीरे बाबा ने ये जो जाति व्यवस्था को, ये सिस्टम को बाबा ने तोड़ना शुरू किया. फ्रॉम 6 अगस्त द बॉयज ऑफ ऑल कास्ट वेयर ब्रॉट टूगेदर फॉर कॉमन स्कूलिंग. तो 6 अगस्त को सभी जाति के बच्चों को कॉमन स्कूलिंग के लिए इकट्ठा लाया गया. व्हाइल द गर्ल्स वेयर गिवन देयर ओन सेपरेट स्कूलिंग अकोमोडेशन, लड़कियों के लिए अलग सा रखा. दिस वर्क इन द डिसोल्यूशन ऑफ कास्ट एंड रिलीजियस प्रेजुडाइस इनवॉल्व्ड द मंडली एज वेल, हु वेयर ग्रेजुअली लर्निंग टू ब्रेक देयर अटैचमेंट्स टू सम ऑफ द डेली रिचुअल प्रैक्टिसेस एंड डाइटरी हैबिट्स दैट दे हैड ग्रोन अप विद सिंस दे वर चिल्ड्रन. आपने लॉर्ड मेयर में पढ़ा होगा कि शुरू में मंडलियों मंडली जन भी कितना विरोध दर्शाते थे और उनको भी बाबा को अलग खाना बनवाना पड़ता था, अलग रखना पड़ता था हिंदू ब्राह्मण्स को बाकियों को. तो ये सब स्कूल का कार्य करते हुए इसके थ्रू इसके माध्यम से मंडली के बीच में भी जो धार्मिक एक प्रेजुडाइस था उसको खत्म करने का बाबा ने कार्य किया, जो कि धीरे धीरे मंडली जन भी सीखने लगे. उनके जन्म से जो भी उनकी सिस्टम थी, उनकी आदतें थी, खाने पीने की जो आदतें थी या उनके जो रिचुअल्स थे, पद्धतियां रूढ़िया थी, उन सबको उस उन उन रूढ़ियों के प्रति भी हमारा एक लगाव हो जाता है, एक उसका भी अटैचमेंट होता है. अरे मैं तो इतना पूजा पाठ करता हूँ, इतना जाप करता हूँ, इतना यज्ञ याग करता हूँ, तो उसके माध्यम से भी हम सब जानते हैं कि संस्कार बढ़ते हैं. तो ये जो उसके प्रति उनका अटैचमेंट था, लगाव था मंडली जनों का, उसको भी खत्म करना इस माध्यम से धीरे धीरे बाबा ने शुरू किया, क्योंकि उनके बचपन से वो इस प्रकार से करते थे. अब यहाँ पर एक बहुत प्यारा सा चार्ट है, आपने ग्रुप में देखा होगा या मैंने पेज डाला कि नहीं मुझे याद नहीं. तो ये एक चार्ट है उस समय का मेहराबाद का, संपूर्ण इसमें शॉर्ट में पूरा दिया है और कहा क्या था अपर मेहराबाद लोअर मेहराबाद में. इसके साथ में आगे बढ़ते हैं और यहाँ एक सुंदर बाबा की फोटो है, वो पहले देख लीजिए. आप लोग बताइए हाँ देख लिया तो मैं आगे बढ़ूं. आपको दिख रहा है?
हाँ तो बाबा देखो कैसे है, कितना तेजी से वो क्या बैटिंग कर रहे हैं, क्रिकेट की बैटिंग कर रहे हैं बाबा यहाँ पर। और पूरा ये है कोई पीछे खड़ा है, तो ये एक प्यारा सा फोटो है जो ज्यादा मतलब दिखाई नहीं देता है, मुश्किल से दुर्लभ है। आगे चलते हैं। एज ऑल दिस वॉज गोइंग ऑन, बाबा डेडिकेटेड सीरियस अटेंशन टू द स्कूल चिल्ड्रंस डाइट्स एंड कंडीशंस ऑफ क्लीनलीनेस एट होम। ये सब जब चल रहा था तो गंभीरता से बाबा ने अपना ध्यान बच्चों का जो खान पान है और उनका स्वच्छता है इसके ऊपर, घर पर भी उनकी स्वच्छता का ख्याल के ऊपर बाबा ने अपना खास ध्यान दिया। ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ही गेव देम ईच अ डेली अलाउंस ऑफ मिल्क एंड बॉटल्स ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू टेक होम विद देम इन द इवनिंग अलोंग विद द स्कूल बुक्स। जब शाम को बच्चे घर जाते थे तो अपने किताबों के बस्ते के साथ ये पीने के पानी के लिए साफ बोतल देना, और वो साफ बोतल वो घर पर लेके जा सकते थे। इसी के साथ बाबा ने उनको दूध के लिए एक डेली अलाउंस के तौर पर उनको कुछ राशि देना भी शुरू किया, पानी पीने के लिए साफ बोतलें दी। बाबा विथ हिज ओन हैंड्स बाथ द बॉयज एट रेगुलर इंटरवल्स। समय समय पर बाबा स्वयं उनको अपने हाथों से नहलाते थे। रिक्वायर्ड देम टू क्लीन देयर टीथ विद द टूथ पाउडर दैट द स्कूल प्रोवाइडेड। स्कूल ने उन्होंने टूथ पाउडर भी प्रोवाइड किया और उससे दांत तून करने का बाबा उनके दांत भी साफ करते थे। एंड गेव द चिल्ड्रन इनफ एक्स्ट्रा क्लोथिंग टू एंश्योर फॉर ईच अ डेली चेंज ऑफ लिनन। तो रोज बदलने के लिए साफ कपड़ों का सेट भी उनको उपलब्ध करा दिया। बाय द स्कूल्स सेकेंड ईयर हाउ एवर सम ऑफ द बॉयज वेर स्टेइंग एट मेहराबाद ओवरनाइट एंड ओनली रिटर्न होम फॉर स्पेशल ओकेजन्स। अब क्या होता था, इतना सब करके भी घर जाके वापस वो गंदगी शुरू हो जाती थी। इसका अनुभव करने के पश्चात फिर उनको मेहराबाद में रुकाना शुरू हो गया। और दूसरे साल तक ऐसा हुआ, दूसरे साल के अंत तक काफी सारे बच्चे मेहराबाद में ही रात को रुक जाते थे, और कोई खास ओकेजन पे प्रसंग पर वो घर जाते थे। रोज घर नहीं जाते थे, मेहराबाद में ही वो सो जाते थे, वहीं पे रुक जाते थे। मतलब उनका बोर्डिंग जैसा स्कूल हो गया वो। द स्कूल हैड इनडीड बिकम अ ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस फॉर द चिल्ड्रन इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ देयर लाइफ्स। उनके जीवन के सभी क्षेत्र में ये स्कूल एक पूरा बदलाव लाने वाला स्कूल, बदलाव लाने वाला स्कूल प्रतीत हो गया। द कोर्स ऑफ क्लासेस इंक्लूडेड फ्रिक्वेंट एग्जामिनेशंस एंड बाबा क्लोजली मॉनिटर द चिल्ड्रंस प्रोग्रेस। समय समय पर एग्जाम होते थे और बाबा स्वयं बारकाई से ध्यान देते थे बच्चों की प्रगति पर। बट द प्रोग्राम एनकंपास्ड अ रेंज ऑफ एक्टिविटीज इन एडिशन टू द एकेडमिक। परंतु केवल शैक्षणिक कोर्स के अलावा बहुत सारी एक्टिविटीज गतिविधियां ये स्कूल में कराई जाती थी। सेवरल आवर्स ईच डे वेयर डिवोटेड टू स्पोर्ट्स एंड गेम्स। हर दिन कई घंटे स्पोर्ट्स और गेम्स के लिए दिए जाते थे। यहाँ पर वो फोटो है बाबा की क्रिकेट खेलते हुए बच्चों के साथ में, वहां पर दिया है मेहर बाबा बैटिंग इन अ क्रिकेट गेम इन मेहराबाद इन द लेट 1920s। इन एडिशन द बॉयज स्पेंड एन आवर डेली इन भजन सिंगिंग एंड स्कूल स्टाफ एंड मंडली एंड समटाइम्स इवन बाबा हिमसेल्फ would give lectures on matters of religion and spirituality or relate stories from the rich Indian religious tradition. इसके साथ में ही बच्चे रोज कुछ घंटे, रोज एक घंटा बिताते थे भजन गाने में, भजन गायन में। और स्कूल का जो स्टाफ है, टीचिंग स्टाफ और मंडली है
और कभी कभी बाबा स्वयं भी उनको प्रवचन देते थे, लेक्चर्स देते थे, टॉक्स देते थे विविध धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों पर। और जो भारत का समृद्ध धार्मिक वारसा है, परंपरा है, उसके संबंध में कहानियां, मतलब पुराण कथा वगैरह उनको बताते थे। मतलब एक कैसा एक ऑलराउंड डेवलपमेंट, क्या विजन था उस समय में 1925 में, एक सर्वांगीण विकास कैसा होगा बच्चों का, इसकी तरफ बाबा का कैसा ध्यान था। उनका आरोग्य, उनका रहन सहन, उनका क्लीनलीनेस, सभी चीजों पर ध्यान दिया जाता था। द स्कूल फीचर्ड अ डिबेटिंग सोसाइटी इन विच द बॉयज देमसेल्व्स वुड समटाइम्स होल्ड फोर्थ इन लेक्चर ऑफन टू द अम्यूजमेंट ऑफ ऑल। एक डिबेटिंग सोसाइटी भी स्थापित की स्कूल में और बच्चे उसमें स्वयं लेक्चर देते थे, ऐसे ऐसे लेक्चर देते कि सबको बहुत अद्भुत लेक्चर देते कि अचरज में वो लोग डाल देते थे। बाबा केट अ क्लोज आई टू मेक श्योर दैट ऑल द रूल्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन वेयर फॉलोड। बाबा स्वयं ध्यान बारकाई से ध्यान देते थे कि संस्था के सभी नियमों का कड़ाई से पालन हो। एंड ऑन वन ओकेजन ए काइंड ऑफ कोर्ट ऑफ जस्टिस विथ स्टूडेंट प्लेंटिफ्स एंड डिफेंडेंट्स एंड विटनेसेस reviewed and passed judgment on offenses among the boys. बच्चों के बीच में जो लड़ाई झगड़े ये सब मारामारी होती थी, उसके लिए एक प्रकार का उन्होंने कोर्ट भी स्थापन किया। उसमें बच्चे ही दावेदार, साक्षीदार, प्रतिवादी, वादी प्रतिवादी रहते थे। उसमें जजमेंट भी पास किया हो जाता था। ये बहुत अद्भुत है, बड़ी बात है। Like so many other school activities, this gave these rural country boys a glimpse into the greater world, which otherwise would have remained altogether aligned to them. इससे इन देहाती अनपढ़ बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा ऐसा एक सेक्टर, ऐसा एक विभाग की जो उनके लिए बिल्कुल अजनबी था, उससे वो भली भांति परिचित हो गए। और भी बाकी एक्टिविटीज के जैसा ये एक अद्भुत एक्टिविटी था कोर्ट वाला। और डेफिनेटली जैसा हम देखते हैं, यदि स्पिरिचुअलिटी पॉइंट ऑफ एंगल से देखो तो अवतार की हर क्रिया सुदूर उसका संदेश पहुंचाती है। हमने ये पीछे बार देखा, हमने उसका एक उदाहरण देखा कि पानी में यदि पत्थर डालते तो लहरें उठती है, दूर दूर तक लहरें उठती है, पत्थर एक जगह। यदि ईश्वर अवतार उंगली भी उठाता है तो उसका परिणाम पूरे विश्व पे होता है। तो बाबा ने, हो सकता है ये जो कोर्ट जस्टिस ये सब स्कूल में खोल करके बाबा ने वो भी एक विश्वात्मक कार्य किया होगा, ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं। बाबा टुक देम ऑन पिकनिक्स एंड ऑन द दिवाली हॉलीडेज, ट्रीटेड देम टू फायरवर्क्स to the great delight of the rambunctious youngsters. इन्होंने ऐसे कड़े भयंकर भयंकर शब्द इसमें यूज किए हैं। एनीवे, जो ऐसा हंगामा करने वाले बच्चे थे, मतलब दिवाली पे बाबा उनको फटाके देते थे, इससे वो बहुत आनंदित होते थे, एकदम हंगामा मचाते थे। उनके लिए यह आनंद की पर्वणी थी। बाबा उनको पिकनिक पर भी लेके जाते थे। When on occasion a party of acrobats or jugglers or even a theatrical company came into town, Baba took the children to the entertainment. हमको पता है, आप लोगों को किसको कितना लोगों को मालूम है, मुझे मालूम नहीं, लेकिन हम जब बच्चे थे तब ऐसा होता था, नाटक मंडली, तभी इतना सादा सोशल मीडिया, थिएटर, मूवीज इतना नहीं था। तो उस समय में क्या होता था, वो रामलीला वाले आते थे, सर्कस वाले आते थे, इस तरह से उस समय में सभी वो कुछ ये दिखाने वाले आते थे। तो ऐसे जो नाटक कंपनी वाले आते थे, सर्कस वाले आते थे, तो ऐसे जब गांव में कुछ आता था तो वो देखने के लिए भी बाबा बच्चों को लेके जाते थे। बाबा टुक द चिल्ड्रेन, वो मनोरंजन के लिए बाबा उनको लेके जाते थे। एंड मेड श्योर आफ्टरवर्ड्स दैट They had graphs what they had seen. केवल लेके जाना नहीं,
आने के पश्चात ये भी देखना कि वहां जाके जो देखा उसमें से आपको क्या समझा, ये भी बाबा उन्होंने क्या आत्मसात किया, ये भी बाबा ध्यान से देखते थे। इन मेनी वेज द हजरत बाबा जान स्कूल वॉज गिविंग दीज बॉयज अ ब्रॉड कल्चरल एक्सपोजर। अनेक तरह से, अनेक रीति से ये जो हजरत बाबा जान स्कूल है, इन बच्चों को एक सांस्कृतिक दिशा दे रहा था, प्रदर्शन दे रहा था, बहुत अच्छा एक्सपोजर देता था। अब ये कहाँ मैंने पढ़ा था मुझे याद नहीं, या इसमें आगे आएगा मालूम नहीं, कहीं तो पढ़ा था कि 2 या 3 साल बाद फिर गवर्नमेंट के इंस्पेक्टर्स आए थे, और जब वो बच्चों सारी गतिविधियाँ वहाँ की एक्टिविटीज और बच्चों की प्रोग्रेस उन्होंने देखी तो वो बड़े खुश हो गए और बोले कि इतना सुंदर और इतना सर्वांग सुंदर, हर तरह से बच्चों की विकास के यहाँ कोशिश की जाती है, इतना हमने कहीं देखा नहीं, ऐसा स्कूल नंबर 1 है। और इतना ही नहीं तो बाहर दूसरे स्कूल के जो बच्चे हैं, यहाँ इस स्कूल के बच्चे, मानो सपोज कोई फर्स्ट स्टैंडर्ड में है तो उसका स्टैंडर्ड बाहर के स्कूल के 4th स्टैंडर्ड के जितना है, इतना ऐसा रिमार्क वो जो सुपरवाइजर आए थे गवर्नमेंट से, शासन की तरफ से जो स्कूल के वो देखने आए थे, उन्होंने देखे गए थे। ये यहाँ पर नहीं है, ये मुझे याद कहीं तो पढ़ा था। ये दिस फेस केम प्रेसिपिटसली टू एन एंड आफ्टर अ ईयर एंड अ हाफ व्हेन ऑन 20th October 1926 बाबा डिसाइडेड टू क्लोज द मेहराबाद आश्रम एंड टर्मिनेट ऑल इट्स इंस्टीट्यूशंस, हजरत बाबा जान स्कूल, द हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरी, पिलग्रिम फैसिलिटीज एंड एवरीथिंग एल्स बाय 1st November, दैट इज विद इन 10 डेज। हम सबको पता है, हमने आगे टिफिन लेक्चर और कई जगह इसको पढ़ा है, अचानक से 20 अक्टूबर 1926 को बाबा ने निर्णय लिया मेहराबाद आश्रम बंद करने का। ये सारे स्कूल, डिस्पेंसरी, कोई आने जाने वाला है उसके रुकने के लिए व्यवस्था की थी, पिलग्रिम फैसिलिटी, धर्मशाला, सब कुछ जो मंडली जनों ने घमेला योग से अपने हाथों से कंस्ट्रक्ट किया था, बंधवाया था, बनाया था, बाबा ने उसको डेडलाइन दी थी 10 दिन के अंदर ये सारा खत्म हो जाना चाहिए, ध्वस्त कर देना है, तो 1st November तक उसको ध्वस्त करने का बाबा ने आदेश दिया था और ये सारा बंद किया गया। Moreover, बाबा ordered many of the buildings to be torn down. इतना ही नहीं तो काफी सारी इमारतें भी बाबा ने ध्वस्त करने के लिए कहा, including the school buildings, the मकाने खास, residence dormitory for the men, the साई दरबार and the various other temporary structures, most of which had been built just a year before. इतना ही नहीं, केवल 1 साल पहले काफी सारा जो बिल्डिंग्स खड़ा किया गया था, जैसे कि साई दरबार है, जेंट्स के रहने के लिए जो वास्तव्य का था मकान एक खास है, स्कूल की इमारत जिसको हमने देखा कि 6 हफ्तों में उसको परमानेंट स्ट्रक्चर में तब्दील कर दिया था, ये सारा ढांचा जो है, जो कि 1 साल सॉरी फोन कॉल की वजह से बीच में डिस्टर्बेंस हुआ, आवाज आ रही ना, तो ये सब ढांचा जो संरचनाएं थी जो केवल 1 साल पहले बनाई गई थी, ये भी सारी ध्वस्त की गई। द स्कूल बॉयज वे सेंट होम, स्कूल के बच्चों को घर भेजा गया, एक्सेप्ट फॉर दोज फ्यू ऑफ द ओल्डर वंस who wanted to stay on with Baba under the new circumstances which amounted to living among the mandali. सारे बच्चों को घर भेजा गया, थोड़े बच्चों को छोड़ के जो कि बड़े बच्चे थे और जिनको बाबा के साथ ही रहना था, और इस शर्त पर कि वो बाबा के साथ, बाबा के मंडली जैसे उनकी जो व्यवस्था है, बच्चों के लिए खास व्यवस्था थी, यह दूध वगैरह सब मंडली के जनों के लिए नहीं था, तो मंडली जिस अवस्था में रह रहे हैं उसी अवस्था में वो भी रहेंगे, ऐसे शर्त पर कुछ बच्चे बाबा के साथ रहे, बाकी सबको घर भेजा गया।
Originally, Baba had determined to travel to Persia for a number of months with several of his disciples. तो शुरू में तो बाबा ने ये तय किया था कि वो पर्शिया जाएंगे और उनके साथ कई महीनों वहां तक रहेंगे अपने कई शिष्यों को लेके. Soon, this plan was revised. पर जल्द ही इस प्लान में भी बदलाव लाया गया. Under the new scheme, Baba and the Mandali, with a few of the boys, would stay at Mehrabad under a regime common to all without distinction. लेकिन इसमें जब बदलाव लाया गया तो नए स्कीम के हिसाब से बाबा और मंडली और वो बच्चे भी, थोड़े से बच्चे जो बाबा के साथ रहना चाहते थे, ये सब मेहराबाद में ही रहेंगे एक नई व्यवस्था के लिए, जो व्यवस्था सभी के लिए सामूहिक कॉमन रहेगी, कोई उसमें बदलाव एक दूसरे से भिन्न नहीं रहेगी, अलग नहीं रहेंगे. एंड दिस इंक्लूडेड फूड अरेंजमेंट्स. अब तक क्या था कि फूड अरेंजमेंट वो ब्राह्मण के लिए अलग, इनके लिए अलग, लेकिन वो सब बाबा ने खत्म किया. सबको स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन. द बाबाज अर्ली वर्क टू डिसमेंटल द स्ट्रक्चर्स ऑफ कास्ट एंड रिलीजियस सेपरेटिज्म विद इन द ग्रेटर मेहराबाद कम्युनिटी हैड रीच्ड इट्स कल्मिनेटिंग स्टेज. बाबा का जो शुरू का काम था कि मेहराबाद की जाति व्यवस्था को खत्म करने का, वो जाति व्यवस्था खत्म होने की अपनी कगार पे आ गई थी. बट एज द अंडरटेकिंग ऑफ डिसमेंटलिंग द मेहराबाद एडिफाइसेस एंड ऑक्शनिंग ऑफ इट्स मटेरियल्स प्रोग्रेस इनटू अर्ली नवंबर, बाबा फॉर्मुलेटेड स्टिल अनदर प्लान. जैसे ये सारी इमारतें ध्वस्त होने लगी, ये सारे भवन ध्वस्त होने लगे, खत्म होने लगा, ये सब सारा जो वहां पर फर्नीचर मटेरियल था उसका ऑक्शन नीलाम होने लगा, ये सब काम जब चालू था, तब बाबा ने वापस दूसरा प्लान बनाया. मतलब ये हो गया तीसरा प्लान. ओरिजिनल प्लान था कई महीनों तक पर्शिया रहने का, वो बदल दिया. मेहराबाद में रहने का था, वो बदल गया. अब तीसरा प्लान क्या है देखिए. ऑफ ट्रैवलिंग, इसमें एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है. जब ये फर्नीचर और सब नीलाम हो रहा था, इसमें एक छोटा सा किस्सा याद आता है कि कई बार क्या होता था, बाबा की जरूरतें, आश्रम की जरूरतें देख के ये ईरानी फैमिली जो है, गुलमई, हरि काका की मदर गुलमई ना, मुझे वो कंफ्यूजन होता है गुलमई और यरिच काका के और आदि काका की मदर जो है उनमें नाम में, तो आदि काका की मदर और ये सरोज ईरानी, ये क्या करते थे समय समय पर बाबा, आदि काका बाबा की जरूरतें देख के काफी सारा, उनका, उनके पिताजी का, कई खुशरू ईरानी इनके पिताजी का जो है, आदि काका के पिताजी का, रुसुम के पिताजी का एक बहुत बड़ा कारोबार था जिसमें फर्नीचर नीलाम करना, बेचना, ये सब था. तो बहुत बड़ा उनका भंडार था, उसमें कई सारा फर्नीचर आता था. और बाद में वो जाके देखते तो कई सारा फर्नीचर गायब है, क्योंकि बहुत सारा फर्नीचर वो बाबा के वहाँ लेके जाके बाबा को दे देते थे, स्कूल के लिए, आश्रम के लिए, जैसी जरूरत है. अब मजे की बात है, बाद में इसी फर्नीचर का नीलाम हो गया. जो फर्नीचर ईरानी फैमिली का था, वो ईरानी फैमिली का खुद का फर्नीचर वो खुद ही खरीद रहे हैं नीलाम में. तो उसके पिताजी बोल रहे हैं, अरे मेरा ही फर्नीचर मैं ही खरीद रहा हूँ. ऐसी था बाबा के यहाँ के रीति, वो जो हम नहीं समझ सकते हैं. एनीवे, तो नया प्लान ये था, ट्रैवलिंग टू बॉम्बे विथ अ फ्यू ऑफ द मंडली व्हाइल द रेस्ट कंटिन्यूड विद देयर मेहराबाद लाइफ. अब तीसरा प्लान ये बन गया कि मेहराबाद बाबा कुछ गिने चुने मंडली के साथ बंबई जाएंगे और बाकी मंडली जन मेहराबाद में ही उनका जीवन व्यतीत करेंगे. Thus, it came to pass on 25th November that Baba with more than a score of his disciples, men and women both, set out for Lonavala, a hill station in the Ghat Mountains between Pune and Bombay. हम सब जानते हैं लोनावला कहाँ है, पुणे और बॉम्बे के बीच में जो घाट माथा पे पड़ता है लोनावला,
वहां पर बाबा 25 नवंबर को अपने कुछ महिला और कुछ पुरुष मंडली के साथ 20 या 24 जनों का ग्रुप स्कोर, मतलब 20 है कि 24 है, उनके साथ वहां पर लोनावला रहने के लिए गए। वेयर दे पुट अप इन अ लार्ज बंगलो 14 डेज। लोनावला में एक बहुत बड़े बंगले में ये लोग 10 दिन तक रहे। ढूंढना पड़ेगा वो कौन सा बंगला है। एंड फ्रॉम देंस ऑन 5th दिसंबर दे ट्रेवल्ड ऑन टू बॉम्बे। वहां से 5 दिसंबर को वो बंबई वापस आ गए, बंबई चले गए। इन दिस वे बाबा ब्रॉट डाउन द कर्टन ऑन द फर्स्ट ग्रेट एक्ट इन द ऑली फ्लरिशिंग ऑफ द मेहराबाद आश्रम। इस प्रकार से बाबा ने मेहराबाद आश्रम, जो बहुत अच्छा फलता फुलता आश्रम सुंदर मेहराबाद में बढ़ रहा था, बाबा ने उसका ऊपर पर्दा डाल दिया। पहला उनका बहुत बड़ा ग्रेट एक्ट था, ये बहुत बड़ा कार्य था, महान कार्य था इस अवतार के शुरू के अवतार काल के दिनों का। तुला इकडन उशी देऊ का, हाताला जखम होते त्या बाजूला कळून कळून। आगे चलते हैं। द क्रिएशन ऑफ द हजरत बाबा जान हाई स्कूल एंड द मेहर आश्रम। आगे उन्होंने हजरत बाबा जान स्कूल का कैसा निर्मित हुआ, मेहर आश्रम कैसा हुआ, मतलब दिसंबर 1926 थ्रू नवंबर 1927, एक करीब करीब एक साल का ये पीरियड दिया है। अभी हमने देखा 1925 जनवरी से लेके नवंबर 1926 का पीरियड देखा, अब हम देखेंगे दिसंबर 1926 से लेके नवंबर 1927 तक। उसके पहले जयाते आप कुछ कहना चाहते, जयश्री गाड़े है, उनका माइक खुला है, या किसी को कुछ कहना है पूछना है? आज प्रेयर कौन बोलेगा, थोड़ा सा ये मैटर सेट आउट करते हैं और उसके पश्चात हम थोड़ा पता नहीं आज